ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि जो बाई इलेक्शन जलंधर का हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सारे इंतजाम किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का डीसी जलंधर की तरफ से भी सारे इंतजाम किया हुआ है। तो कुछ डिटेल्स है जो मैं पहले आपको बता देता हूँ, देन यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। जो टोटल वोटर्स है जलंधर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वो 16,21,800 हैं। इसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर भी है। ट्रांसजेंडर का 41 वोटर्स है जो ट्रांसजेंडर है, और सर्विस इलेक्टर्स है 1850। NRI इलेक्टर्स है 73। तो जो डिटेल है आपको सारे दिया हुआ है। PWD इलेक्टर्स है 10,286। AG-19 वोटर्स है 24,641। लाउडर सर, लाउडर। इलेक्टर्स 80+ 38,307। जो टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एपिक कवरेज है वो 100% है। पोलिंग स्टेशन टोटली 1972 है, उसमें अर्बन 738 है, रूरल 1234 है। रूरल 1234। वोटिंग स्टेशन लोकेशन है 1147। ये पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, लाइक एक लोकेशन पे दो बूथ हो सकता है, दो या तीन चार पांच छह तक हो सकता है। तो इस करके टोटल कितने छह वाला भी है, ये डिटेल मुझे देखना पड़ेगा, आपको दे देंगे डिटेल। तो पोलिंग स्टेशन लोकेशन 1147 है। टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं 19, उसमें से मेल 15 है, फीमेल 4 है, और ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट नेशनल पार्टीज का 3 है, स्टेट पार्टीज का 1 है, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज का 7 है, इंडिपेंडेंस 8 है, ऐसे टोटल 19 है। सो जो नॉर्मली कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है वो डिस्प्ले करना पड़ता है 3 बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, 3 बार प्रिंट मीडिया में। तो ऐसी हमारी 5 कैंडिडेट है, एक परमजीत कौर तेजी है, रोहित कुमार टिंकू, परमजीत तेजी, रोहित कुमार टिंकू, सुखविंदर सुखी गुजरा, गुरजन सिंह कट्टू, नीतू शतरंग वाला। Okay. इनको 3 बार अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में देना पड़ता है एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। तो वेबकास्टिंग आप देख ही सकते हो, इट वाज 100% वी आर गोइंग फॉर वेबकास्टिंग। इसका मतलब है पूरा 1972 पोलिंग स्टेशन का ऑनलाइन मॉनिटरिंग यहाँ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वहां से भी, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की कंट्रोल रूम बनी हुई है वहां से भी देख सकते हैं। और हमें ईवीएम मूवमेंट के लिए पूरा GPS एनेबल्ड व्हीकल्स हैं, ताकि हर एक मूवमेंट प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, वो भी ऑनलाइन ऐसे ही मॉनिटरिंग हम करते हैं। फिर फ्लाइंग स्क्वाड एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए फ्लाइंग स्क्वाड स्टार्टिंग सर्वेलेंस टीम्स वगैरह हैं। CAPF इस बार हमें काफ़ी सफिशेंट क्वान्टिटी पे मिला है, और इस करके हम 1524 पोलिंग स्टेशन के ऊपर CAPF लगा रहे हैं। दैट इज ऑलमोस्ट 80% पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे CAPF लगेगा, और माइक्रो ऑब्जर्वर 302 पोलिंग स्टेशन पे लगेगा। पिंक पोलिंग स्टेशन है जो ऑल वुमन पोलिंग स्टेशन है, मतलब वहाँ पे जितने भी पोलिंग स्टाफ है वो सारे पोलिंग स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी का स्टाफ सारे वुमन स्टाफ रहेगा, वो है 9। मॉडल पोलिंग स्टेशन टोटल 45 है। PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन 1 है,
और टोटल आर्म्स डिपॉजिट अभी तक जो हुआ है दैट इज 99%, वाटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन जो है 98%, और काउंटिंग सेंटर्स का डिटेल आपको दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सारे DLR जो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स की ऑफिस है वहां पे है, एंड गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर में है। उसके अलावा हम पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आप पीछे, पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम में हम सारी चीज ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं कि पोलिंग पार्टी कितने कहाँ पे पहुंच गया है, कितने पहुंच गया है, उसके अलावा कितने पोलिंग परसेंटेज है, वो सारे ऑनलाइन मॉनिटरिंग यहाँ होता है। तो उसके लिए सेपरेट मतलब फिजिकली रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हमारे पास आ जाते हैं, वो इस बार हमने सेटअप किया हुआ है। उसके अलावा एक सक्षम ऐप है PWD ऐप, जहाँ पे कोई भी बंदा PWD अलॉन्ग विथ एनी सपोज 80+ वोटर्स भी है जिनको कोई व्हीलचेयर चाहिए, कोई वॉलंटियर चाहिए, वो थ्रू DCI का एप्लीकेशन थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और हम सारे उनकी जो फैसिलिटीज है वो पोलिंग स्टेशन पे प्रोवाइड करते हैं, वॉलंटियर्स की भी, व्हीलचेयर के भी फैसिलिटीज। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से 80+ PWD वोटर्स या कोई कोरोना अफेक्टेड डिसीज्ड बंदे हैं उनके लिए सेपरेट एक प्रोविजन किया हुआ है कि वो पोस्टल बैलेट उनके घर पे जाके हम एप्लीकेशन फॉर्म लेके उसके बाद घर पे जाके वो पोस्टल बैलेट लेके वोटिंग करते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास 888 एप्लीकेशन आए हैं और उसमें से 861 लोगों ने अभी तक वोट किया। उसके अलावा ECA की डायरेक्शन के मुताबिक हर एक पोलिंग स्टेशन में सारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, रैंप, इलेक्ट्रिसिटी, शेड, ये 100% सारे पोलिंग स्टेशन पे है। इस बार समर करके भी हमने स्पेशल ड्रिंकिंग वाटर, शेड का फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है। फिर कोविड मटेरियल भी सारे पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल है पोलिंग स्टाफ के लिए, और इफ एनीवन रिक्वायर्स अ मास्क और समथिंग दे कैन रिक्वेस्ट द पोलिंग स्टाफ। सी विजिल नॉर्मली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन का एक ऐप है, उसमें टोटली 1457 एप्लीकेशन कंप्लेंट्स आए थे, उसमें से 1176 हैं वो फाइंड आउट किया था और एक्शन उसके बाद इनिशिएट किया था, और टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो आए थे, ये बेसिकली जो कंप्लेंट हमें लिख के आते हैं वो डिटेल है, 85 कंप्लेंट्स आए थे, उसमें डिस्पोज ऑफ 47 है, 38 अलग अलग रिपोर्टिंग के लिए पेंडिंग है, वो आते रहते हैं टिल द कंप्लीशन ऑफ द रिपोर्टिंग प्रोसेस। फिर कंप्लेंट्स इन विच एक्सपेंडिचर वॉज एडेड टू द कैंडिडेट अकाउंट, ये मिस्टर सुशील रिंकू है, आपका कैंडिडेट है, उनका 9 केसेस में ऐसी हमने 4,64,669 रुपीस जो कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर में ऐड किया हुआ। पॉलिटिकल पार्टी वाइज हमें कंप्लेंट्स है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 23 कंप्लेंट्स आया था, शिरोमणि अकाली दल का 6, BJP का 2, BSP का 2 और आपका एक कंप्लेंट, टोटल 34 जो है पार्टी वाइज कंप्लेंट आया था, बाकी जो कंप्लेंट है वो जनरल नेचर की है, नॉट रिलेटेड टू पार्टी। सीशर जो हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स है अभी तक जो कैश, लिकर, ड्रग्स एंड अदर्स थिंग, ये कल तक का फिगर है 3.775 crore का सीशर किया हुआ है। So this is the main data regarding the parliamentary constituency Jalandhar bipolar ke regarding. So if you have any doubt, you can just flag. इधर बार-बार complaints आ रही थी शराब लीकर को लेके थी लगातार, उसके बाद क्या बना, क्योंकि अभी भी जबरन रात को भी कल की भी complaints भी कई जगह ऐसी थी जहाँ पर जैसे बार-बार कैंप मार्टल हाउस ये वो खुरला किंगरा उनकी लगातार यहाँ पर ज्यादातर तरकीम की वहाँ पर प्रमोटिव शराब को लेकर बहुत कंप्लेंट थी, वहाँ पर कितनी कंप्लेंट्स आई लिखकर को लेकर खास। हाँ नॉर्मली बेसिकली हमारे जितने भी वो कंप्लेंट है सी विजिल एप्लीकेशन में आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, जितने भी वायलेशन है लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर हो गया या पब्लिक डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, इस तरह की जो भी कंप्लेंट आता है वो इमीडिएटली मतलब 90 मिनट्स के अंदर अंदर हमें कार्रवाई करना पड़ता है, तो इमीडिएटली फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम जाता है वहाँ पे, चेकिंग होता है
और उसके बाद जो कार्रवाई है नॉर्मली एफआईआर रजिस्टर करवाना है, सीजर करनी है और कार्रवाई करनी है, वो नॉर्मली होता है, इससे प्रोसीजर वाइज होता है। तो जो जितने भी मैंने सी विजिल के कंप्लेंट बताया है वो सारे इंक्लूडेड है। देयर आर 497 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बेसिकली। हाइपर सेंसिटिव कितने सर? हां ऑलमोस्ट यू कैन से 5% CIBF या वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी, ऐसे कोई भी एनी ऑफ दी फॉलोइंग मेजर्स इतनी करना पड़ता है। तो नॉर्मली हम अभी वी हैव सफिशिएंट CIBF होस है, वेबकास्टिंग भी है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ हमने क्रिटिकल को इतने हमने मोस्टली थ्री कर दिया है। जिनकी वैल्यू अराउंड 48,000 है। ड्रग्स का 108 किलो है, 2.9 CR। 497 पे जो कहते थे, जो कांग्रेस पार्टी भी कहती है, पंजाब पुलिस जो है इसमें यहाँ पर का CRPF या कोई पैरामिलिट्री फोर्स की लगेगी, क्योंकि जो सेंसिटिव जो 497 में हमने मोस्टली CIBF भी लगाया है, वेबकास्टिंग भी लगाया है, माइक्रो ऑब्जर्वर 302 में ऑलरेडी लग चुकी है। टोटल हाउ मेनी पीपल आर गार्डिंग दिस गार्डिंग फॉर सिक्योरिटी पर्पस? नंबर वी कैन नॉट डाइवर्ज बेसिकली। हमने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है इतनी कमीशन को भेजी हुई है विद रिपोर्ट ऑफ द DEO, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिज डायरेक्शन फॉर द कमीशन। व्हाट हैज DEO रिपोर्टेड? Our reporting is basically the video. We had basically sent the video for the perusal of the commission. Commission has to see the video and give necessary direction. आपने कोई influence drawn है? No, from not from our side. सिद्धू मूसे वाले के father बलकौर सिंह सिद्धू videos के द्वारा आज मानसा से सीधे सीधे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दिया जाए, ऐसे मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। क्या इलेक्शन कमीशन किसी तरह की कार्रवाई करेगा या कुछ इसमें बनता है कुछ? देखो बेसिकली वी कांट एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर केस, लाइक इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दे रहे हैं, इफ एनीथिंग गोस अगेंस्ट द वायलेशन एक्सेप्ट अदर देन द कैंपेनिंग थिंग, तो उसमें we can't basically say anything, but anyway if such things comes to our notice, we will refer to the DEO for verification of the social media account and we will see what action can be taken, because I can't comment on the whatever the content of the video I haven't seen. तो जो हमारी ऐसी नोटिस में आएगा, वी विल रेफर टू द DEO फॉर नेसेसरी। ये कार्रवाई करोगे पब्लिक फिगर है, इलेक्शन की कार्रवाई, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द उसमें क्या मैसेज दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा कि क्या है, वेदर इट इज एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वायलेशन है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। विदाउट बिना देख के तो आई कांट कमेंट। सर सुशील पिंटू जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, उन्होंने एक्सपेंडिचर बुक कितने गए पूरे डिटेल दस्तावेज कि नॉन केस, वो नो केसेस जो है हमें कंप्लेंट आया था वो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन था। तो जहाँ पे बैनर्स पोस्टर्स वगैरह लगे थे पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी रिमूवल का एक्सपेंडिचर भी उसके लगते हैं, फिर उसके अलावा बैनर्स वगैरह के जितने पब्लिकेशन के जो एक्सपेंडिचर है वो सारे उसकी अकाउंट में डाला गया। कोई भी पर्चा हो सकता है, वो सारे डिटेल पब्लिश करना पड़ता है।
सर एक मिनिस्टर का बकायदा पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे दिया गया जो लालचंद कटारे तक को लेके, क्या इसको भी सर देखते हैं क्योंकि ऐसे किसी का डालना मिनिस्टर्स को लेके कोई किसी पे तो ऐसा शब्द लिखना पर से तो है उसमें इलेक्शन कमीशन लेता है उस पर एक्शन कोई देखो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कंडक्ट में किसी की पर्सनल यू नो क्रिटिसाइज करना मना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो बट देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट देते हैं इसके सर अगर आया तो उसके आप कार्रवाई करोगे या पूछोगे इसमें आके क्योंकि वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हमें कंप्लेंट आएगा तो देख लेंगे क्या ये इलेक्शन को इंपैक्ट करता कैसे ये what he's talking about, the post. नहीं बट वो देखना पड़ेगा ना कि व्हाट काइंड ऑफ लाइक कंप्लेंट क्या करते हैं whether it is कि किसके रिगार्डिंग करते हैं if it is individually किसी की against criticize कर रहा है that is not allowed in model code election commission takes सोलो मोटो हाँ जी ये तो आपको कर सोशल मीडिया पे चल भी रहा है हाँ everybody knows when it is brought to our knowledge we will take it We'll issue notice, we'll get the reply. No suo moto action. Yeah, but suo moto action, it has to be brought to our knowledge. No? He's bringing it to your notes. We'll see now. We'll see. Thank you. So, जाहिर है, चोन अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जलंधर की जिमनी चोन से उच्च अधिकारियों की जिहड़ी नज़र है वह ऑनलाइन बनी रहेगी किस तरह के रहिंदे ने यह प्रबंध इस दी जानकारी दे लई तुसीं जुड़े रहो टीवी पंजाब दे नाल कल वोटिंग दौरान एक एक पल दी जानकारी लैके असीं तुहाडे नाल बने रहांगे तुसीं बने रहो टीवी पंजाब दे नाल धन्यवाद